लंदन, सिंगापुर और न्यूयॉर्क जैसे शहरों को देखकर आपका मन भी कह उठता होगा कि काश हमारे हिंदुस्तान में ऐसे शहर होते। तो आज उसी सपने की पहली किश्त शुरू होने जा रही है। अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री मोदी विज्ञान भवन में 100 स्मार्ट सिटी अमृत प्रोजेक्ट के तहत 500 शहर और 2022 तक हर भारतीय को मकान देने की योजना की शुरुआत करने वाले हैं। हकीकत को लग जाएंगे पंख, सपने हो जाएंगे साकार, जब स्मार्ट सिटी के ख्वाब से उठेगा पर्दा, जब चमचमाते शहरों की झलकियों का होगा दीदार। जिस खूबसूरत शहर की कल्पना बीजेपी सरकार ने की थी, आज उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च करेंगे। आज स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए मोदी जारी करेंगे गाइडलाइन। पीएम के रोड मैप के आधार पर ही स्मार्ट सिटी रफ्तार पकड़ेगी। भारत में 100 स्मार्ट सिटी का सपना जमी पर उतर सकेगा। प्रदेशों का आबादी के हिसाब से स्मार्ट सिटी का एलोकेशन होगा। इसमें कोई पॉलिटिकल कंसिडरेशन नहीं, कोई पर्सनल कंसिडरेशन किसी को विवेचन के लिए छोड़ा नहीं हमने। एक कॉम्पिटिशन के द्वारा ही होगा, उसमें कुछ क्रिटीरिया मोदी सरकार के पिटारे से आज कई परियोजनाएं निकलेंगी। 100 स्मार्ट सिटी के अलावा 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन परिवर्तन मिशन यानी AMRUT और 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए घर मुहैया कराने की योजना का भी आज लॉन्च होगी। मोदी सरकार ने स्मार्ट शहर का सपना चुनावों के दौरान ही दिखाया था। सरकार बनी तो उस पर ब्लूप्रिंट बनाने का काम शुरू हो गया और अब उस सपने को हरी झंडी दिखाने का वक्त आ गया है। स्मार्ट सिटी योजना और साथ ही साथ शहरी सशक्तिकरण और सुशासन, जिसको नाम दिया हमने अमृत, अटल मिशन फॉर रिजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, और तीसरा सबके लिए मकान। सरकार इन सारी परियोजनाओं पर 4,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मोदी सरकार की माने तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चुनिंदा 100 शहरों में जिंदगी बेहतर हो जाएगी। बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट से लेकर जिंदगी की तमाम सुविधाएं हाईटेक होंगी। वहीं AMRUT के तहत 1,00,000 से अधिक आबादी वाले 500 शहरों में बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। इसमें हर एक परिवार को बिजली, पानी, ट्रांसपोर्ट जैसी तमाम बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। 2022 तक सबको मकान देने की योजना के तहत सरकार अगले 7 सालों में 3,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 2 करोड़ किफायती घर बनाने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये तय होना है कि कौन कौन से शहर किन किन राज्यों से वो नॉमिनेट किए जाएंगे और उनमें से कौन से 20 हैं जो पहले चरण के लिए चुने जाएंगे।